हमने शुरुआत की, आपने हौसला बढ़ाया। हमने दिल से मेहनत की, आपने गले से लगाया। जब सब डरे हुए थे तब आपने ही साथ निभाया। हमारे इस यूनिवर्स को आपने ही परिवार बनाया। और त्योहार तो परिवार के साथ मनाया जाता है। तो मिलते हैं इस दिवाली। So, ये पहली वाली क्लिप देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम कौन सी बात करने वाले हैं। कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिंघम अगेन के रिलीज के रिलेटेड, यानी कि कौन सी तारीख को रिलीज होने वाली है, इसमें कौन से एक्टर्स है और कौन सी महीने में लॉन्च होने वाली है और कौन से फेस्टिवल पे रिलीज होने वाली है। और मोस्ट ऑफली जब रोहित शेट्टी की फिल्म आती है तब किसी त्यौहार या कौन सी तारीख आ रही है, कौन सा महीना आ रहा है, डजंट मैटर, रोहित शेट्टी की फिल्म आती है यानी कि एक अलग सा त्यौहार स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। क्योंकि इनका प्रोडक्शन हाउस में ऐसी ऐसी फिल्में हैं, जब सिंघम आई थी, सिंघम रिटर्न्स आई थी, सिम्बा आई थी, फिर सूर्यवंशी आई थी, उन्होंने ऐसा तहलका मचाया था उनके बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस में, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है बाकी सारी फिल्मों से। और इसकी रिलीज डेट कौन सी है और कौन से महीने में लॉन्च होने वाली है और किस फेस्टिवल के नज़दीकी दौरान रिलीज़ होने वाली है और इस पर कौन से एक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। पर ये पूरा जो यूनिवर्स है, जैसे कि हमने सिम्बा में देखा था कि अजय देवगन ने एक एंट्री की थी, फिर सूर्यवंश में देखा कि सिम्बा और अजय देवगन, यानी कि रणवीर सिंह एंड अजय देवगन ने दोनों एंट्री की थी। तो अब एक और डाउट बनता है कि सिंघम अगेन में कौन से न्यू एक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे और कौन से एक्ट्रेसेस इसमें शामिल होने वाले हैं। पर ये कंफर्म है कि इसका ट्रेलर 7 अक्टूबर यानी कि कल आने वाला है यूट्यूब पे और काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पे। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके रिलेटेड, यानी कि रोहित शेट्टी की फिल्म किसे नहीं पसंद, जैसे कि गोलमाल हो गई, फिर सिंघम की सीरीज़ हो गई, सिम्बा, सूर्यवंशी, ऑल द बेस्ट और काफ़ी सारी ऐसे भी फ्रेंचाइजी है जिसमें काफ़ी सारी फिल्मों ने उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और वेब सीरीज़ में भी जो इंडियन पुलिस फोर्स आई थी उसमें भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया और उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है। तो मैं सिंघम अगेन के रिलेटेड काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पर आज हम बात करेंगे कि इसकी रिलीज डेट कौन सी है। तो काफ़ी सारी फिल्में इस डेट को रिलीज़ होने वाली है, पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बाकी सारी फिल्मों से और सिंघम अगेन के रिलेटेड। पर इसकी हाल फिलहाल रिलीज डेट है 1 नवंबर, यानी कि नए साल के दिन नई फिल्म लॉन्च होने वाली है सिंघम अगेन इन द थिएटर 1 नवंबर 2024, यानी कि दिवाली के अगले दिन। जब दिवाली में फटाके फूटेंगे पर लोगों को रूम में जितना मज़ा नहीं आएगा उतना मज़ा आएगा थिएटर्स में सिंघम अगेन के फटाके फूटते हुए और धमाके के बॉक्स ऑफिस में फूटते हुए, वो मज़ा आएगा देखने में। और मैंने जैसे कि पिछले वीलॉग में बोला था, जब हम कल की मूवी देखने गए थे मैं और मेरी मम्मी, नहीं देखा तो फटाफट जाओ मेरे चैनल पे वो देखो, तभी भी मैंने बात की थी जब सिंघम अगेन आएगी तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म देखेंगे वही वाली फिल्म देखेंगे। तो आई एम सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी के मैं एक और न्यू मूवी का थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कर पाऊँ। तो ये थी जो रिलीज डेट थी 1 नवंबर 2024। इसमें काफ़ी सारी लीक्स है जिसमें करीना कपूर, फिर अर्जुन कपूर, अजय देवगन तो है ही, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, फिर टाइगर श्रॉफ और काफ़ी सारे और एक्ट्रेसेस और हीरोइंस हैं जो इसमें इंक्लूडेड होने वाले हैं। इवन जैके श्रॉफ भी। तो आई एम सो कन्फ्यूज्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस मूवी के इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने ब्लॉकबस्टर मूवी के सीक्वेंस के बाद ये सीक्वेंस आ रहा है। तो इसमें काफ़ी रोमांस देखने को मिल सकता है और एक क्लिप में मैंने देखा था कि इसकी शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो काफ़ी अलग से एक्साइटमेंट है। और
आई रियली होप सो कि ये बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दे और न्यू ईयर की स्टार्टिंग दिस मूवी से हो रही है तो काफ़ी 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 बड़ी बात है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा और मैं काफ़ी रियली एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तो आपको कोई भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय, लेट्स गो।